हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें 22 सितंबर को पूछा गया तीनों शिफ्ट का। मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं क्वेश्चन और साथ में ही आंसर भी कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली रेलवे की जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बीच मिलती रहेगी। इसी के साथ चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार दोस्तों खेल के क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कालिदास पुरस्कार किससे मिला? जी, कालिदास पुरस्कार राम गोपाल बजाज को मिला। तीसरा क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किसे मिला? सितांशु को। इसका दोस्तों मैं पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए टेंशन फ्री रहिए, पीडीएफ आराम से डाउनलोड करके उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, आने वाली आपका जब एग्ज़ाम हो उसके थ्रू आप तैयारी कर लें, जिससे कि आपको ये सब टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो छूटे ना। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। दोस्तों भगवान बुद्ध की को प्राप्ति बोधगया में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन था दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। पी ब्लॉक तत्व की संख्या है 35। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग दोस्तों मधुमेह के इलाज में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो ये तो सभी को पता है कि मछली गलफड़े द्वारा सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये भी दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ओनम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओनम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे रट ले। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। ऑपरेशन दुर्गा कहाँ आयोजित किया गया था? तो हरियाणा में ये आयोजित किया गया था। जीएसटी बिल लागू करने वाला पहला और आखिरी राज्य कौन सा था? तो जीएसटी बिल लागू करने वाला पहला राज्य असम था, और सबसे बाद में झारखंड, जम्मू और कश्मीर, सॉरी दोस्तों जम्मू और कश्मीर ने लागू किया था। बुलेटिन ऐप किसने शुरू किया था? तो गूगल ने इस ऐप को शुरू किया था। कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गीता मित्तल। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल है। आईपीएल 2018 का विजेता कौन है? पिछली बार सॉरी दोस्तों इस बार जो आईपीएल 2018 हुआ था उसमें चेन्नई सुपर किंग ने जीत हासिल की थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, पल्स पोलियो कार्यक्रम किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में किया था। फीफा का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी पुरस्कार किसने प्राप्त किया? लुका मोड्रिक। शुद्ध पानी का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जो कि हर किसी को पता है, मुंबई में ये स्थित है। डेसिबल की एक इकाई है ध्वनि। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 20 फरवरी को क्या आयोजित किया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। गर्भाशय के समय कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? HCG हार्मोन। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो इतना ही था क्वेश्चन, कल के शिफ्ट में पूछा गया।
इसे आप पीडीएफ में हैं, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले आज का जो 23 तारीख है, 23 तारीख का जो भी क्वेश्चन होगा मैं नेक्स्ट डे आपको 24 तारीख के दिनों में आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।